बघेली जिले में लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए रहने खाने की व्यवस्था करने वाले सरपंच सचिव इन दिनों भुगतान नहीं होने से परेशान है। बता दें कि मुंगेली जिले में 37,000 से अधिक प्रवासी मजदूर वापस लौटे, जिन्हें अलग अलग पंचायतों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर्स में ठहराया गया था। इस दौरान सरपंचों ने उनके रहने और खाने की व्यवस्था की थी, जिसका भुगतान नहीं होने से कई सरपंच कर्ज में डूब गए हैं। उनसे ग्राम पंचायतों में जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए थे, उन लोगों को मजदूर को रखने के लिए स्कूलों में सामुदायिक भवन में व्यवस्था सरपंचों के द्वारा कराया गया था। लगभग ऐसे बहुत सारे सरपंच हैं जहां 200, 500, 700 प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। जिला पंचायत सीओ मैडम के द्वारा बैठक में बोला गया था कि 3 दिवस में भुगतान किया जाएगा। प्रवासी मजदूरों के लिए जो रखा गया था उसमें 14 बीस का पैसा मूलभूत खाते में ट्रांसफर किया गया है, राहत को उसका पैसा अभी तक नहीं मिला है। हम लोगों को जो निर्माण कार्य मैं कराया हूँ अपने पंचायत में, मेरे द्वारा पंचायत का कार्य किया गया, उसको उसका भी भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। पीछे दफे भी मैं विगत 15 दिन से मैडम का चक्कर काट रहा हूँ। निराकरण के लिए इस संबंध में हम लोगों ने शासन से पैसा मांगा है। 1487 क्वारंटाइन सेंटर थे, इन सेंटरों में करीब 37,000 के आसपास लेबर रुके हुए थे। इनकी कुछ ग्राम पंचायतों को हमने दिया हुआ है और कुछ ग्राम पंचायतों में ये बाकी।